फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। मेरठ में खुद को CMO बताकर ठगी करने का एक मामला प्रकाश में आया है। कंकड़खेड़ा निवासी मोहित शर्मा स्वास्थ्य अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर यह ठगी कर रहा था। अब तक कई लोग इसकी बातों का शिकार हो चुके हैं। गंभीर बात यह है कि मोहित शर्मा ने LLB की हुई है। पुलिस अधीक्षक सिटी विनीत भटनागर ने आज मीडिया के समक्ष मोहित शर्मा को पेश कर यह जानकारी दी। देखिए, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो कि स्वयं को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के रूप में फर्जी तरीके से प्रोजेक्ट करता था और उसके बाद लोगों को धोखा दे करके उनको क्लरिकल जॉब या इस तरह की जॉब लगाने के नाम पर, उनसे फॉर्म भराने के नाम पर पैसा ले लिया करता था, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लेता था। इस ठग को हम लोगों ने पकड़ा है और इसमें हर्ष का विषय यह है कि बहुत से थानों में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत थे, फरार चल रहा था, उसमें भी इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा केवल मेरठ ही नहीं और दूसरे निकटवर्ती जनपदों में भी इस प्रकार से इसने कार्रवाई करी है। जो लेटेस्ट जो ये इस क्रम में इसने कार्रवाई करी थी वो ये थी कि यहाँ के एक लोकल एक सर्जन के पास इसने उनका परिचित बन करके फ़ोन किया और बताया कि इसके पास में ऑथराइजेशन है कुछ लोगों को क्लरिकल पोस्ट पर लगवाने का और इस आधार पर फॉर्म भरवाने के नाम पर उनसे जो है पैसे ट्रांसफ़र करा लिए। 3 मामले अभी तुरंत ही प्रकाश में आए थे। कुछ मामले थाना लालकोठी से संबंधित हैं, कुछ थाना मेडिकल से संबंधित हैं, कुछ पहले से भी अभी पंजीकृत हैं, जनपद के और थानों में भी पंजीकृत किए गए। तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, साक्ष्य के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई होगी। देखिए, तो अलग अलग लोगों से इन्होंने जिस प्रकार से मांग करी है, अभी जो 3 प्रकरण जानकारी में आए हैं वो लगभग 10,000 रुपये के फॉर्म भराए और उसके बाद में जब दोबारा और पैसे की मांग करी तो उनको शक हुआ, तो उन्होंने पुलिस की जानकारी में ये प्रकरण लेकर के आए। ऐसा अभी तक जानकारी करने से लग रहा है कि इसने बहुत बड़ा रैकेट इसका इसने चलाया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ये जो है इसमें अवैध धन संपत्ति अर्जित कर चुका है। हालांकि इसका मोटस ऑपरेंडा ये था कि ये कम पैसे की मांग पहली बार में करता था ताकि लोगों को ना तो शक हो और ना ही वो जो है उसके बारे में कहीं पुलिस में या कहीं कंप्लेंट करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।